तो दोस्तों फाइनली हमारे पास आ चुका है अमेज़ॉन का ICICI का क्रेडिट कार्ड। तो आज हम बात करेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के साथ आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और क्या इसको लेना ठीक है कि नहीं। अमेज़ॉन पे इस समय बहुत सारे ऑफर्स चलते हैं, चाहे वो SBI का हो, चाहे वो IDFC का हो, चाहे वो ICICI का हो, आपको एक से एक अट्रैक्टिव रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह दिए जा रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्लेटफॉर्म से आप एक तरीके से क्रेडिट कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। और मैंने ICICI का मंगवाया है, SBI का भी चल रहा था बट मेरे पास ऑलरेडी SBI का क्रेडिट कार्ड था तो मैंने उसको नहीं मंगवाया, मैंने ICICI का ही मंगवाया है। और जो इसकी फ़ीस वगैरह की अगर हम बात करें तो लाइफ टाइम फ्री इसका जो फीस है वो है, फ़िलहाल कोई किसी तरीके का चार्जेस नहीं इसमें लिया गया है। तो बाकी पहले हम इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर, इस लिफाफे के अंदर हमें क्या मिल रहा है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें क्या रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह अमेज़ॉन या ICICI की तरफ से हमको मिलेंगे। और बट इसको अनबॉक्स करने से पहले एक बात आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जब आपको किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड रिसीव हो, जब आप कोई भी क्रेडिट कार्ड मंगवाएं, तो रिसीव करने के बाद उसको ज़रूर से चेक करें कि उसका जो पैकेट है वो प्रॉपर सील है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि वो एक टेम्प्ररी पैकेट होता है, बट आप उस तरीके का पैकेट ना रिसीव करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप कोशिश करें कि ये जो पैकेट, जैसे कि आप ये पैकेट देख रहे हैं, ये प्रॉपर सील है, कहीं से खुले होने की इसमें कोई चांसेस है नहीं। तो इसको ज़रूर ध्यान रखें आप कि क्रेडिट कार्ड जब भी आप ऑर्डर करें तो उसका सील जो है प्रॉपर पैक रहे। तो चलिए हम फटाफट इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसके साथ हमको क्या मिलता है। कुछ नहीं है भैया, सिर्फ छोटा सा एक कागज है और ये है हमारा अमेज़ॉन का क्रेडिट कार्ड। भाई साहब ये हमारा कार्ड, इसको रखते हैं बगल और ये सावधानी वाली पर्ची भी रखते हैं बगल। तो भैया इसमें कुछ दिया तो है नहीं फिलहाल, बस अमेज़ॉन पे ICICI का ऊपर नाम छपा हुआ है, इट्स पे यू बैक एवरीवेयर और फ्लैट 5% का कैशबैक, फ्लैट 3% का कैशबैक, फ्लैट 2% का कैशबैक, फ्लैट 1% का कैशबैक। अब 5% का जो कैशबैक है वो हमको मिल रहा है amazon.in या amazon प्राइम कस्टमर को, 3% का कैशबैक जो है वो amazon.in फॉर नॉन प्राइम कस्टमर, मतलब अगर आप प्राइम कस्टमर है तो 5% का कैशबैक भैया ये दे देंगे आपको, और नॉन प्राइम कस्टमर है तो आपको 3% का ये फ्लैट कैशबैक दे देंगे। इसके बाद बता रहा है कि ये 100+ अमेज़ॉन पे पार्टनर्स, इनके जो मर्चेंटाइजिंग के रूप में हैं वहाँ ये आप करते हैं अपना क्रेडिट कार्ड यूज़, तो ये 2% का कैशबैक दे देते हैं और बाकी अदर कुछ ऑनलाइन शॉपिंग है जैसे ट्रैवल्स है, फूड है, मूवीज़ है, ये सब जगह पे ये 1% का कैशबैक दे देंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो आपकी लिमिट आई है भाई साहब इसमें वो आई है कैश विड्रॉल लिमिट जो है वो 500 है और क्रेडिट लिमिट जो है वो 50,000 है, मतलब हमको जो क्रेडिट लिमिट अलॉट हुई है इस कार्ड पे वो 50,000 का है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये 50,000 की इन्होंने लिमिट यहाँ हमको दी हुई है। बाकी इसमें कुछ क्रेडिट कार्ड पिन जनरेट करने का तरीका दिया गया है, पीछे तो कुछ है नहीं, ब्लू डार्ट का एक सिंबल बना हुआ है कि आपको ब्लू डार्ट के माध्यम से ये मिलेगा। कुछ यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह क्या कैसे होता है। तो भैया इसके अंदर कुछ मिला नहीं, सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, ये एक पर्ची है और रिवॉर्ड मैंने बता ही दिया है, प्राइम कस्टमर 5%, नॉन प्राइम कस्टमर 3% और अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 1%। इसके अलावा जो इनके मर्चेंटाइज़र हैं वहाँ अगर शॉप कराते हैं तो 2% का कैशबैक मिल जाएगा।
सो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो ICICI के अमेज़ॉन क्रेडिट कार्ड का। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि हम इस तरीके की और भी वीडियो आपके लिए लाते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।